चैप्टर में कहते हैं कि मैंने सोमरस पीने के बाद देवताओं को जान लिया <laughs> तथा अमृत को प्राप्त कर लिया मुझे लगता है एग्जैक्टली सत्य बोलते हैं आज भी कोई भी आदमी सोमरस पी लेता है देवताओं को जानना छोड़ो आदमी खुद देवता बन जाता है और तोड़ने का यह मैं बताऊंगी वैसे ही समझ जाओगे तुम्हारे वालों ने दारू के अंदर जो जो नए नए कीर्तिमान स्थापित किए की तो ओझा जी रिप्लाई करते हैं तोड़ तो लिख के चला गया टोड़ ने समानता लिखी सको में राजपूतों में क्या क्या समानता है और इस आधार पर उसने घोषित किया बाकायदा की कि सारे के सारे राजपूत है वो कौन है सकोर और ओझा जी ने रिप्लाई दिया बाद में ओझा जी ने कहा कि तोड़ सती प्रथा हमें सख सिखाएंगे महाभारत में राजा पांडु है राजा का नाम क्या है उनकी दो रानियां एक रानी कौनते देश की इसलिए रानी का नाम है कुंती एक रानी मद्र देश की जिसका नाम है माद्री कुंती के तीन बेटे होते हैं युद्ष अर्जुन और भीम माद्री के दो बेटे होते हैं नकुल और सहदेव राजा पांडु की मृत्यु होती है राजा पांडु की मृत्यु होती है तो माद्री उनके साथ सती होती है माद्री उनके साथ तो माद्री के बेटे नकुल सहदेव को भी कुंती ने संभाला इसलिए हम कहते हैं कुंती के पांच बेटे कुंती के तो तीन ही थे दो तो माद्री के थे पर माद्री सती हो गई इसका मतलब सतियां तो पहले से हो रही थी सक तो भारत में सती प्रथा नहीं लेके हमारे तो महाभारत में सती प्रथा का साफ साफ उल्लेख है मतलब यज्ञ हमें सको ने सिखाए फिर रामायण में भगवान राम कर रहे हैं वो कौन सा यज्ञ है हमारा तो पूरा यज्ञ कि भगवान राम जब अयोध्या की गद्दी पर बिराजे तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया अश्व मतलब घोड़ा घोड़ा छोड़ा गया पूजा करने के बाद जो कोई घोड़े को हमारे पकड़ लेगा उसको हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा भगवान राम के घोड़े को कौन पकड़े अयोध्या के उस अक्षोहिणी सेना के घोड़े को कौन पकड़े दो बालकों ने पकड़ा लव और कुश और क्या गजब लड़े होंगे उस दिन उस लड़ाई में उन्होंने भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण हनुमान जी सुग्रीव अंग जीते गए लंका लगाई इनकी कूटा पकड़ पकड़ गए को उस दिन वो राम जी को बता देते वो क्या चीज है तो राम जी जब युद्ध करने पहुंचे वो तो माँ सीता एंड टाइम पर पहुंच गए माँ सीता ने कहा कि क्या कर रहे हो तुम्हारे पापा डेडी है क्या ठीक <laughs> है मम्मी तुम जल्दी आ गई वरना डेडी को हम बताते आज चपले हाथ में होती डेडी के अभी थोड़ी देर में यार वो अश्व में यज्ञ था हमारा हमारे राम जी रामायण में अश्व में यज्ञ करवा रहे हैं महाभारत में रुदिष्ट अश्व में यज्ञ करवा रहे हैं वो शक सिखाएंगे हमारा एक पूरा त्यौहार है दशहरा जिसमें करते ही हथियारों की पूजा है और दशहरा उस दिन से है जिस दिन राम जी ने रावण को मार दिया था वो विजयादशमी है विजय प्राप्त की थी उस दिन और तुमका त्योहार सको ने हमें हथियारों की पूजा सिखाई हमने एक दिन का नाम रख रखा है अदित अदित का मतलब सूर्य होता है अदित का मतलब क्या होता है तो हमने सूरज के नाम पे तो पूरा वार है हमारे ऋग्वेद में जहां कहीं सूर्य का नाम है वहां लिखा हुआ है अदिति सूर्य क्या कहा गया अदिति गांव वाले आज भी अदितिवारी बोल रहे हैं अदितिवार 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 करते करते क्या बोलने लगे इसको अदित और आदित्यवार करते करते कई गांव वालों के ऐट गया तो दीतवार दीतवार है दीतवार दीतवार क्या है ये अदितिवार है और अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी गांव में सुबह सुबह उठ के सूरज भगवान के जल चढ़ाई देता है तो सूर्य पूजा यार तुम सिखाओगे हमें हमारे तो यहाँ हर आदमी कई रहा है कि मैं सूर्य वंशी हूं वो सूर्य से अपनी उत्पत्ति जोड़ रहा है जब नाम अश्व यज्ञ है तो घोड़ों की पूजा तो अपने आप ही हो रही है अश्व की पूजा करके ही तो बाद में यज्ञ किया जा रहा है तो घोड़ों की पूजा शक तो लेके नहीं आए हमने कहा दारू शक बताएंगे कैसे पीनी होती है हमारा सबसे अच्छा ग्रंथ है सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद कौन सा ग्रंथ है दस चैप्टर है इसका नवा चैप्टर में एक श्लोक है कितने रिचाए हैं एक सारी की सारी सोम देवता की तारीफ में है। कौन सी देवता की तारीफ में सोम देवता वही है जो आप समझ रहे हो और ऋषिकणव इसके आठवें चैप्टर में बोलते हैं ऋषिकणवा आठवें चैप्टर में कहते हैं कि मैंने सोमरस पीने के बाद देवताओं को जान लिया तथा अमृतत्व को प्राप्त कर लिया मुझे लगता है ऋषिकणव एग्जैक्टली सत्य बोलते हैं आज भी कोई भी आदमी सोमरस पी लेता है देवताओं को जानना छोड़ो आदमी खुद देवता बन जाता है और सोमरस पीने के बाद आदमी लगता है आपू निज भगवान है और अमृत्व को प्राप्त करता है मतलब जिस आदमी ने अपनी जिंदगी में ढंग से साइकिल नहीं चलाई हो वो आदमी को भी मौत से डर लगना बंद हो जाता है और पिया आदमी भी कहता है है गाड़ी गाड़ी भाई 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 चलाएगा भाई के पैर नहीं चल रहे कैसे चला सकता है। पर यदि आपने सोमरस ग्रहण कर लिया उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं हमने कहा भाई साहब हमने तो यह भी बताया है कि वो अच्छा सोमरस मूजवंत पर्वतमाला पे मिलता है कहा मिलता है मतलब ठेका तक पता था हमें प्राचीन काल से तो जमस्टोड़ तू अपनी बातें अपने पास रख कम से कम शक तो हमें सिखा के नहीं जाए हमें इस बात में पूरा शक है कि शको ने यह हमें सिखाया होगा फिर जी एक बात बहुत अच्छी लिखते हैं जी ने लिखा कि भारत की संस्कृति यह कहती है कि गाय की महिलाओं की ब्राह्मणों की मूर्तियों की यज्ञों की रक्षा करनी चाहिए जो राजा है वो राजा का करते हुए क्या राजा का करते हुए वो महिलाओं की रक्षा करे गरीबों की रक्षा करे मंदिर की रक्षा करे पशुओं की रक्षा करे गायों की रक्षा करे इन सब की रक्षा करनी चाहिए और राजपूतों के ज्यादातर युद्ध इन चीजों के लिए हुए यदि राजपूत विदेशी रहे होते तो भारत की चीजों के लिए क्यों मर जाते उनके तमाम आगे के कर्तव्य इन चीजों के लिए रहे इसलिए औजाजी ने कहा कि ये और कुछ ही नहीं है प्राचीन काल में जिनको क्षत्रिय कह दिया गया बाद में उन्हीं का नाम धीरे धीरे पड़ता पड़ता क्या हो गया राज इसलिए चौहान थे तो चौहान प्राचीन क्षत्रियो के वंशज जय नए किसक और सीथियन के पर फिर भी आपने इतनी बात याद रखनी इसमें कि आपसे कोई पूछेगा कि भाई चौहानों को विदेशी बताने वाले कौन कौन है